नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला एमडीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर विवादों में आ गया है। एक तरफ जहां मंदिर बनाने वाले के चाचा नहीं जमीन पर अवैध कब्जा कर मंदिर बनाने का आरोप लगाया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर अब सवाल दाग दिया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि अयोध्या जिले में जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है और अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि ऐसे भू माफिया पर वो कार्रवाई करेंगे या दिल्ली से विशेष दस्ता आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में राम जन्मभूमि से करीब 25 किलोमीटर दूर भरतकुंड क्षेत्र में फैजाबाद प्रयागराज राजमार्ग पर एक मंदिर बनाया गया है, जहां उनकी नियमित पूजा अर्चना होती है। मंदिर का निर्माण करने वाले स्थानीय निवासी प्रभाकर मौर्य ने बीते दिनों कहा था कि उन्होंने योगी जी का मंदिर बनाया है, जो भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं। जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि ये जमीन कब्जाने का योगी मॉडल है। उत्तर प्रदेश में पीएफआई पर एटीएस का हंटर चलना शुरू हो गया है। लगातार प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरठ से 4 और वाराणसी से 2 सहित 6 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सदस्यों के पास से आपत्तिजनक साहित्य और अन्य सामग्री बरामद की गई है। बता दें कि इस छापेमारी में पुलिस ने मोहम्मद शादाब अजीज कासमी, मौलाना साजिद, मुफ्ती शहजाद, मोहम्मद इस्लाम कासमी, रिजवान अहमद, मोहम्मद शाहिद की गिरफ्तारी की है और वहीं इससे पहले शुक्रवार को राजधानी लखनऊ से मदेगंज इलाके से अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शनिवार को यानी आज उत्तर प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और विकास की गति को तेज करने का श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए कहा है कि योगी सरकार के 5.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आदर्श राज्य में तब्दील हो गया है। आचार्य देवव्रत ने गोधारित प्राकृतिक खेती पर शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकास और सुरक्षा सहित लगभग सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दिनेश प्रताप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लोग अब बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आदर्श राज्य के रूप में बदला है। इस अवसर पर योगी ने धरती पर और गौ माता को बचाने का सफल अभियान चलाने के लिए आचार्य देवव्रत का अभिनंदन करते हुए कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रयोग में लाने का अभियान मकसद इस धरती के वास्तविक स्वरूप को बचाए रखना है। वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का तो कार्यक्रम है ही, इस धरती माता को उसके वास्तविक स्वरूप में रखने का भी एक अभियान है। हम सब जानते हैं भारत की जब बात होती है तो भारत देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है और भारतीय गोवंश के कारण जो चर्चा यहां पर आचार्य जी अभी अपने उद्बोधन में कर रहे थे, आधुनिक तकनीक के आने के पहले अगर आप भारत के खेती किसानी से जुड़ी हुई पुरातन अध्ययन को देखेंगे तो आपका ध्यान इस ओर बरबस आकर्षित करते हैं कि इस धरती से उस प्रकार की उत्पादन हमारा किसान अतीत में लेता रहा है। औद्योगिक क्रांति जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद यह देश जब गुलामी की ओर गया तो धीरे धीरे करके भारत की परंपरागत जो खेती किसानी थी, आस्था थी, इन सब पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ था और वहीं से पराभव भी शुरू हुआ।
यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो, निस्संदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम मिलाना में अत्यधिक वर्षा के कारण बीती रात एक मकान ढहने से उसके मलबे में दबकर दो बच्चों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। इस घटना के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शनिवार को बताया कि मिलाना के निवासी आश मोहम्मद का मकान गिर गया और इसका निरीक्षण उप जिलाधिकारी सदर एवं तहसीलदार सदर द्वारा किया गया। बता दें कि इस घटना में आश मोहम्मद के बेटे शोएब जो कि 14 साल के और बेटी सना जो कि 11 साल की थी उनकी मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। चारों घायलों को पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बताया गया कि बारिश के कारण मकान काफी कमजोर हो गया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।